हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा मनी व्लॉग्स। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं मैं और रुद्रु दोनों। और रुद्रु की तबीयत अभी पहले से बेटर है, फीवर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले से बेटर है। कैसे बेटे? ऐसे नहीं, ढंग से बताया करो। कैसी है तबीयत आपकी बताओ? डन, ओके। तबीयत उसकी ठीक है पहले से, और अभी मेडिसिन उसकी चल रही है तो और ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। कहाँ गई बोट? कहाँ गई रुद्रु? बोट से खेल रहा है। रात उसने पानी में चलाई थी काफी देर तक, और सुबह ऐसे बिना पानी के चला रहा है वो बेड पर। आज बेड को ही उसने पानी बनाया हुआ है। मजा आ रहा है वो? ऐसे ही जैसे कार चलाते हैं ना, कार की तरह चला रहा है उसको। पहले से थोड़ा ठीक हो गया है लेकिन खा नहीं रहा है अभी। और स्कूल हमने उसको अभी नहीं भेजा है, अभी गया स्कूल, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में। अब कैसा फील हो रहा है बेटे? ऐसा जंप नहीं करो ज्यादा, भी वीकनेस बहुत ज्यादा है। ये क्या रेस लगा रही है दोनों बोट? ट्रैक पर खड़ी हो गई। ओके, मिस्टर मोदी लेकर आए हैं सब्जी सुबह सुबह जाकर, और बहुत ही फ्रेश मेथी पालक लेकर आए हैं। और बस एक दो घंटे ही बाहर रखा था इसको, और ये ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। एक घंटे में एकदम सॉफ्ट हो गया, बहुत ही फ्रेश था। हम इसको बनाएंगे तो इसी वजह से मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। और आज हम बनाएंगे मेथी पालक का साग, लेकिन मन तो था सरसों का साग बनाने का, लेकिन यहाँ पर साउथ में ना सरसों नहीं मिलती है, तो मेथी पालक का दाल वाला साग बनाएंगे और मक्के की रोटी बनाएंगे हम। और चलो फिर करते हैं स्टार्ट बनाना। इसको बनाने में भी टाइम लगेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे साफ करना पड़ेगा, और इसको हम कट करेंगे मेथी पालक को। और पहले चेक करूंगी कि गंदा तो नहीं है, कोई घास वगैरह तो नहीं है, साफ करके फिर इसको हम कट करेंगे बारीक बारीक, जितना भी बारीक आप कट कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं साग बनाना। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में, बस अब करते हैं लंच की तैयारी। लंच में बनेगा मेथी पालक का साग, दाल वाला साग, और इसके साथ बनाऊंगी मक्के की रोटी। आज बहुत दिन बाद ही बनेगा, और नॉर्थ की स्पेशल रेसिपी है सरसों का साग और मक्के की रोटी, लेकिन यहाँ पर सरसों नहीं मिलती है तो मैं यहाँ पर मेथी पालक का दाल वाला साग बनाऊंगी, और इसके साथ बनाएंगे हम मक्के की रोटी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले इसको हम साफ कर लेंगे, इसमें जो गंदगी है उसको हम निकालेंगे। और यहाँ पे जो साउथ में मिलता है ना वो मेथी पालक, हमारे नॉर्थ में बड़ी बड़ी गड्डियों में मिलता है, यहाँ पर जो मिलता है छोटी छोटी सी गड्डियां बनती है इस टाइप से, छोटे छोटे से पीसेस में होता है इस टाइप से। और इसको क्या रूट्स के साथ इसको निकाल लेते हैं, बस एक बार लगाया मेथी तो एक बार ही उससे मिलेगा। नॉर्थ में क्या होता है उसको ऊपर से कटिंग करके तब उसको बेचते हैं, उसमें रूट्स नहीं होते हैं। साउथ में पूरा रूट्स के साथ निकाल के ही मिलता है इस तरीके से। मेथी बहुत ज्यादा है तो मैं इसमें से थोड़ा सा ही यूज करूंगी, पालक हम सारा यूज करेंगे, जितना भी यूज करना है मैं निकाल लेती हूँ अलग। यहाँ पर मेथी हमें ज्यादा नहीं डालना है इसमें, बस मेथी मैं इतना ही यूज करूंगी इसमें, बाकी का मेथी मैं रखूंगी। इसकी हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, आलू मेथी की रेसिपी, वो मैंने पहले भी बनाई थी और अपने दूसरे चैनल पे भी मैंने डाली हुई है। फ्रेंड्स, मेथी पालक मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए, अभी उसको टाइम लगेगा, 3 से 4 विसल्स में वो हमारा रेडी होगा। और आज वेदर हो रहा है बहुत ही अच्छा, हवा अच्छी चल रही है और बादल हो रखा है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है, हवा तेज है और बारिश जैसा मौसम हो रखा है, बारिश आने की उम्मीद है। रुद्रु बैठा हुआ है रूम में और मैं किचन में काम कर रही थी, वो टीवी देख रहा है अपना आराम से बैठ कर। क्या कर रहे हो बेबी? कर रहे हो क्या? देख रहे हो टेक्नो गेमर्स है? क्या देख रहे हो? थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो बेटे, आज तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है आपने। रुद्रु देख रहा है ये क्या था? ओह नो, क्यों बेबी? थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और आपने अपनी वो तो ईयर ड्रॉप तो नहीं डलवाया है अभी बेटे? डलवा लो प्लीज। चलो लाओ डाल देती हूँ, ठीक है? क्या देख रहे हो आप?
रुद्रु देख रहा है ये टेक्नो गेमर्स, उसका फेवरेट। पहले देखता है फिर डरता है कि मम्मा डर लग रहा है, डर लगता है। और इसको देखना भी है इसको। चलो हमारी पंजाबी थाली रेडी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। साग बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन रोटी तो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बन जाती है। जिसको नहीं बनानी आती वो भी इस ट्रिक से बहुत ही इजी तरीके से इस रोटी को बना सकते हैं। और अगर आपको ये इसकी फुल रेसिपी देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट्स और कुकिंग विद मनीष पर जाकर देखिएगा, मैं उस पर अपलोड करूंगी इसकी रेसिपी। और बस अभी मैं ये बच्चों को देकर आती हूँ लंच। लंच का टाइम हो गया, अभी भी आ चुका है स्कूल से, तो मिलते हैं फिर लंच करने के बाद। फ्रेंड्स अभी बच चुके हैं 6 और हम लोग पी रहे हैं चाय। वैसे तो हम दोनों बैठे हैं, चाय पीने के लिए, लेकिन मिस्टर मरी अपने फोन में लगे हुए हैं। और बस अब उन्होंने देखा कैमरा उठ गया तो फोन रख दिया है दूसरी तरफ। उठाओ ना फोन, क्यों तो मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था, हमने फोन उधर रख दिया। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। फ्रेंड चाय वगैरह हो चुका है कंप्लीट, बस अब हम मैं सोच रही हूँ कि जो अपने रूम की वॉल थी उसको हम कंप्लीट करते हैं, उस पर हम लगाएंगे वॉलपेपर। उसको रिपेयर कर दिया था, वॉलपेपर लगाना बाकी था, तो बस चलते हैं और उसको करते हैं कंप्लीट। फ्रेंड्स वॉल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसका फाइनल लुक दिखाएंगे, और उस वॉल का फाइनल लुक देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।